ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जमींदार पार्टी की विधायक कामिनी जिंदल जी। कामिनी जी, बात हो रही थी पहली बार विधानसभा में आई हैं। हाँ जी, क्या लगता है, क्योंकि कई जो पहली बार विधायक चुन के आए हैं उनसे जब बात होती तो कहते हैं कि हमें तो बोलने का ही मौका नहीं मिलता। क्या माहौल, क्या है, क्या कुछ गड़बड़ है क्या विधानसभा में? देखिए, मुझे लगता है लोगों की सोच में थोड़ी सी गड़बड़ है जी। कुछ लोग इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो बोलना ही नहीं चाहते हैं, कुछ इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है बोलने क्या, और कुछ इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर तलवार लटकी रहती है। डिक्टेटरशिप चलती है बिहाइंड दी कर्टन, पार्टी डिक्टेटरशिप। तो मुझे लगता है ये जनता के साथ में धोखा है, क्योंकि जनता ने आपको इन चीज़ों के नहीं भेजा है कि आप मुंह बंद करके बैठे रहें, फिर तो कोई भी बैठ जाएगा वहाँ जाके। आपको जिताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जिताया है, जनता की आवाज़ पहुँचाने के लिए प्रतिनिधि बनाया है आपको, तो आपको बोलना चाहिए, वरना ये अन्याय होगा। कामिनी जी, आपने अभी वादों की बात की थी, विधानसभा में तो हंगामों के कारण वादों की चर्चा ही नहीं होती, लेकिन गंगानगर के लोगों से काफ़ी कई वादे किए थे आपने। हम लोगों ने बात की थी, बिल्कुल, आपने जैसे सीवरेज का कहा, उसमें हमारी तरफ से, मेरे पिताजी की तरफ से, एक भामाशाह के रूप में पीपीपी मॉडल के ऊपर जल निकासी योजना के तहत 10 करोड़ रुपए दिए गए थे। 10 करोड़ रुपए आज के समय में 3 साल पहले दिए गए थे, तो तब तो शायद चुनाव की कोई बात नहीं थी, 3 साल पहले वो दिए गए थे, और आज भी वो पैसा कहाँ है, नगर परिषद में है या कहाँ है, कोई नहीं जानता, से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। 10 करोड़ रुपए, बिल्कुल 10 करोड़। तो आपने माने नहीं कि आपकी पार्टी ने, आपके पिताजी ने, जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने दिए पैसे, और आपने हिसाब नहीं मांगा नगर परिषद से कि आखिर में वो 10 करोड़ रुपए दिए थे, जमीन पे नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए? बिल्कुल, देखिए, उसके बाद में जो है वो सीवरेज का प्रोजेक्ट आया, और सीवरेज लगातार वो बनने के, ये लोग बताते हैं कि 3 सीवरेज प्रोजेक्ट हमारे वहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन उसकी भी गति धीमी है, ये अपना बता देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। तो हम लगातार ये कहते हैं कि जो आपको दिया गया था या तो आप इसमें लें, तो कम से कम कहीं तो लगे, लेकिन ये उसको भी नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ पर है, क्या है, क्या नहीं है, क्या करने वाले हैं, तो इसकी जानकारी नहीं है। इसी के लिए वो जो मैटर है अभी कोर्ट के अंदर सब ज्यूडिस है, तो मुझे आशा है कि वहाँ से न्याय मिलेगा, और कम से कम जो पैसा जनता के लिए लगना चाहिए था वो लगेगा धरातल पे आके। एक और कामिनी जी, गंगानगर में मेडिकल कॉलेज की बात, मेडिकल कॉलेज तो घोषणा हो चुकी है, बन रहा है, लेकिन उसमें आपकी ओर से, आपके परिवार की ओर से बड़ी, काफ़ी बड़ी घोषणाएँ हुई थी, और क्या उसका भी यही हाल रहा या ये भी चुनाव से पहले हुई थी, और इतना बड़ा, मेरे ख्याल से सरकार जो है वो रोज़ भामाशाहों को पुरस्कृत करती है, और खुद भी जल स्वावलंबन के नाम पर, और भामाशाहों से वो कटोरे ले लेके घूम रही है अभी पैसे दो, और जिसने स्वयं ने पैसे दे दिए 250 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, आज सिर्फ वो इसीलिए नहीं चालू कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इनके राजनीतिक हित टकरा रहे हैं। क्या क्या बताते हैं ये, कारण क्या बताते हैं? कारण तो स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं, सिर्फ यही है कि कभी IMA के रूप में आगे आ जाते हैं, कभी ये कहते हैं कि PWD जो है वो उसको देखने के लिए, सर्वे करने के लिए नहीं आया। तो आप ये मानते हैं क्या कि आज अगर सरकार चाहे और PWD जो उनका ही विभाग है वो आए ना, उनकी इतनी ज़रूरत हो सकती है क्या? तो आज ये जनता का ना छोड़ के इन्होंने अपना हित बना लिया। तो क्या सरकार आपसे घबरा गई है, आप समझती हैं? नहीं, अगर घबरा गई है तो अच्छी बात है, आगे और घबराहट होने वाली है, इसका मैं उनको बिल्कुल नहीं, तो आप तो ऐसे बता रही हैं जैसे घबरा गई हैं, इसलिए इस तरह के जो आपकी ओर से ऑफर आए हैं उन सबको ठंडे बस्ते डाल दिया गया है। नहीं, ये सरकार की मुझे लगता है नीची सोच है, शायद ये उसी का ही एक उदाहरण है। कामिनी जी, ऐसा कहते हैं कि जब सरकार जनता की बात नहीं करती है तो पार्टियां सड़क पे उतरती हैं, पर जमींदार पार्टी का लगता है कि डिमांड करके चुनाव लड़ने के बाद सरकार से मांग रही है, लेकिन क्या सरकार पे दबाव बनाने की कभी कोशिश हुई? देखिए, मेडिकल कॉलेज का जो मामला है, जो आप कह रहे हैं कि जमींदारा पार्टी, मैं ये कहती हूँ कि मेडिकल कॉलेज किसी एक पार्टी का नहीं है, इसको राजनीति से मत जोड़िए, मेडिकल कॉलेज जनता का है, और जनता के मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब मेडिकल कॉलेज के लिए ये प्रोजेक्ट की कल्पना भी की, तो बहुत सारे, और आज भी बहुत सारे जो समाजसेवी हैं और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो आगे आई, और लगातार आज भी
वो लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंच पर, चाहे धरने के रूप में या कलेक्टर को ज्ञापन देने के रूप में या मुख्यमंत्री जी आपके द्वार के, सरकार आपके द्वार के समय वहाँ गई थी तो लोगों ने अपने पोस्ट कार्ड साइन कर करके हजारों पोस्ट कार्ड मैडम को दिए थे, तो जनता अपने हिसाब से लगी हुई है और ये जनता का जनहित का मुद्दा है। और मुझे खुशी है कि हम जनता को इतना जागरूक कर पाए कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है और जनता आज उसे अपना मानकर स्वयं अपने विवेक से उसकी मुहिम लेकर खड़ी है। कामिनी जी, गंगानगर जो है वो शायद कृषि के मामले में सबसे ज़्यादा राजस्व राजस्थान को देता है, लेकिन क्या लगता नहीं है कि वहाँ की जो जनता है हर बार जो सरकार चुनती है उसके विपरीत कोई विधायक चुन लेती है लगातार, तो कहीं उसका खामियाजाना लगातार भुगतना पड़ता है, हर बार सत्ता पक्ष के साथ विधायक होता नहीं है? नहीं देखिए, ऐसी कुछ सोच हो कि मतलब ऐसा कुछ सोच के चुना हो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि विधायक या एक जनप्रतिनिधि उसे ही चुना जाता है जो लगता है कि हमारे लिए बात करेगा, हमारे लिए कुछ लाएगा। आगे अगर सरकारों की क्या मंशा है या किस तरीके से काम कर रहे हैं तो वो उनकी सोच है, विधायक की नहीं है और जनता की नहीं है। जनता साफ दिल से अपने पूरे विवेक से चुनती है। अभी आज तक जो चुने गए थे वो पहली बात पढ़े लिखे नहीं थे, और अगर पक्ष में थे, विपक्ष में थे, पहले मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने क्या दिला दिया? कुछ भी नहीं दिलाया। अगर आज आप गंगानगर को देखें, मुझे तो अभी 2 साल हुए हैं, पहली बार बनी हूँ, सीख भी रही हूँ और करूँगी भी, और पहले जो बने हैं उन्होंने भी आज तक कुछ नहीं दिया गंगानगर को। तो एटलीस्ट हम एक आइडिया लेकर आए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज का है, चाहे हम सीवरेज की बात कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को बराबर का अधिकार देने की बात कर रहे हैं, तो हम एक आइडिया तो लेकर आए हैं, उनकी आवाज़ तो हम बने हैं। हर बार हम इस पर डिबेट करते हैं कि महिलाओं को दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, राजनीति में भी दिया जाए और जगह भी दिया जाए, लेकिन क्या हमने कभी पहल की है? लेकिन जमींदारा पार्टी ने पहल किया और लोगों ने इसको पसंद किया है। महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, बिल्कुल। तो क्या अभी महिला आरक्षण की बात आपने छेड़ दी, महिला आरक्षण विधेयक का भी पास होना है लेटेस्ट अभी लोकसभा में, बिल्कुल। सोनिया गांधी जी ने भी आवाज़ उठाई, सरकार बार बार कह रही है, नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पास होना चाहिए, क्या लगता है कि इससे कोई बदलाव आएगा? क्या महिला आरक्षण राजनीति में होना चाहिए क्या? देखिए, जब हम आरक्षण की बात कर लेते हैं तो मुझे लगता है हम पहले ही उस इंसान को अलग कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं। आज महिलाएं जो हैं, अगर बराबर की वोटर हैं तो मुझे लगता है उनको इस तरह के आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में ही होना चाहिए कि हमें इन्हें बराबरी का दर्जा देना है। यही सवाल उठता है कि क्या महिलाओं को आरक्षण मिलने से राजनीति को ज़्यादा मजबूत महिला नेता मिलेंगी? बिल्कुल, देखो महिलाओं को तो आगे लाना ही होगा, क्योंकि महिला एक ऐसी है जो भी चीज़ सोचती है, शायद पुरुष केवल दिमाग से सोचता होगा, लेकिन महिला जब मातृत्व की बात आ जाती है तो महिला का एक ऐसा दिल होता है जो हर चीज़ की पीड़ा को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। अगर आप उसको बायोलॉजिकली भी निकाल के देखेंगे तो महिलाएँ ज़्यादा वो पाई गई हैं कि संवेदनशील होती हैं। तो आज ज़रूरत है कि राजनीति में केवल आप अपना दिल का, दिमाग का उपयोग ना करें, आप मन से भी सोचें, क्योंकि पीड़ा जब तक आप जनता की महसूस नहीं करेंगे तब तक आप उनके लिए काम नहीं कर सकते। तो कामिनी जी, इसका मतलब आप एक बात पे तो सहमत होंगे मुझसे कि क्योंकि वसुंधरा जी महिला मुख्यमंत्री हैं इसलिए ज़्यादा संवेदनशील है, इसलिए ज़्यादा जनता के बारे में सोचती हैं? नहीं, इसमें मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि इसलिए नहीं हूँ क्योंकि महिला दिवस उन्होंने चुना कि हम अपना बजट पेश करेंगे, लेकिन महिलाओं, हाँ जन्मदिन था, लेकिन हम इसको बहुत अच्छी बात है, लेकिन महिला दिवस भी उन्होंने चुना। हम ये आशा रखते थे कि पहली बात तो ये कि महिलाओं के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, कोई बम्पर कुछ निकलने वाला है, वो कुछ भी नहीं निकला। इनफैक्ट उनकी शिक्षा के अंदर और वो कटौती करके 50-60 करोड़ रुपये कम ही कर दिए गए हैं। तो अगर मैं ये मानूँ कि महिला, ऐसे कैसे एक और आप कह रही हैं कि महिला ज़्यादा संवेदनशील हैं और आप मुख्यमंत्री को बता रही हैं कि वो संवेदनहीनता का उन्होंने परिचय दे दिया, ऐसा संभव नहीं है ना? कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री ज़्यादा संवेदनशील होंगी क्योंकि महिलाएं माँ हैं, परिवार को चलाती हैं। नहीं तो संवेदनशील आप अपने मन में हो, आपके कर्म में तो दिखना चाहिए ना, वो नज़र नहीं आ रहा। तो क्या लगता नहीं है कि एक बहुत बड़ा ऐसा आरक्षण एक जनता के लिए एक नासूर सा बनता जा रहा है? देखिए, आरक्षण की जब बात चालू हुई थी पहले तो उस टाइम परिस्थितियाँ अलग थी। अब मुझे ये लगता है कि इस चीज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए या ऐसी कुछ बात हो, मैं ये कह रही हूँ कि इसको थोड़ा सा आज रिवाइज इसलिए करने की ज़रूरत है क्योंकि इकोनॉमिकली अगर हम सिचुएशन देखें
तो आज अगर हम जनरल क्लास भी देखें तो उस लेवल पे काफ़ी लोग आ गए हैं जिनके पास आज पैसा नहीं है या BPL की कैटेगरी में आने लगे हैं। अगर आज उनको भी रोज़गार नहीं मिल रहा है या वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो वो भी ये डिमांड करते हैं कि हमें भी कुछ दिया जाए। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, और ये होना चाहिए कि थोड़ा सा रिवाइज किया जाए और सबको बराबर का। कामिनी जी, आप RSS के विचारों को मानती हैं क्या? नहीं, ये तो मेरे अपने विचार हैं और मैं ये मानती हूँ। पर आप जिस तरह से ओपनली कह रही हैं तो ये तो RSS के मोहन भागवत ने, उन्होंने सबसे पहले डिमांड की कि RSS के जो सिस्टम को रिवाइज और उस पर सोच विचार होना चाहिए, और आप उसका समर्थन करती हुई नजर आ रही। मैं उनका समर्थन नहीं कर रही हूँ, मैं आज हर आम आदमी की सोच का समर्थन कर रही हूँ। आज हर आदमी ये चाहता है कि अगर हमारे पास भी आज कुछ नहीं है तो हमें भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आज आप नौकरियां देखें तो नौकरियों में, अगर आज मैं खाली जनरल की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी भी हैं, उनको अपने हिस्से का पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी जो जनसंख्या उन उसके अनुपात में उनको उस तरह से उनके इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाना है। जमींदार पार्टी किसानों की बात उठाती है। अभी एक बहुत बड़ा जो बदलाव किसानों के, नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि आने वाले 5 सालों में किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा, और कुछ कुछ छोटा मोटा प्रयोग आपके पिताजी ने भी ग्वार को हम के जरिए ऐसा किया था। क्या ये नरेंद्र मोदी की जो घोषणा है ये हवाबाजी है या वास्तव में संभव है ऐसा करना? देखिए, अगर नियत हो तो संभव है। बाकी अभी जैसे इन्होंने कहा है भी दुगनी कर दी जाएगी, तो उसका इन्होंने कोई रोड मैप नहीं बनाया है, कोई लोगों के सामने कोई योजना नहीं लाए हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे या हम किसानों को ऐसे देंगे या हम मतलब कुछ हम देंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि ई मार्केटिंग के जरिए हम किसानों को पूरा नेशनली जोड़ देंगे और उसको सही उपज कहीं भी जहाँ मिलेगी। क्या ई मार्केटिंग के जरिए, क्योंकि मंडियाँ किसानों की एक ऐसी बेस होती हैं, मंडियों के जरिए ही किसान समृद्ध होता है और गरीब होता है, तो क्या ई मार्केटिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए किसानों के हालातों को बदला जा सकता है? देखिए, पहले भी पिछले बजट में भी ये बात की गई थी कि मंडियों का हम लोग हमारे राजस्थान के अंदर कि हम मंडियों का उद्योगीकरण करेंगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। आज किसान आज भी उसी तरह से अपनी फसल लेकर आ रहा है, बीच में अगर खराब हो गई तो वही हालात हैं। तो आज जब वहीं पर उसको न्याय नहीं मिल रहा, तो ई मार्केटिंग तक तो उसको यही नहीं पता है कि यहाँ कैसे तोल भाव होना है, क्या होना है, तो आप ई मार्केटिंग की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। सरकार डरती है कामिनी जी, वो WTO की शर्तों के अनुसार अगर किसानों को पेमेंट करने लग जाए तो महंगाई को लेकर आप सहित पूरा विपक्ष बहुत तेज़ी से चिल्लाएगा, उनकी तो गद्दी हिल जाएगी। ऐसा लगता नहीं है कि एक ऐसे ट्रैप में फंसी हुई है सरकार की, एक और महंगाई की मार है, दूसरी ओर किसान की पुकार है, दोनों के बीच में फंसी हुई सरकार है, ऐसा लगता नहीं है? नहीं, देखिए, मैं यही कहूँगी कि आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा। अगर आप सच में ऊपर उठाना चाहते हैं तो आपको स्टैंड लेना ही होगा। तो वो हाथ, वो काम जो कर सकती है वो सिर्फ सरकार ही कर सकती है। अब सरकार अगर ऐसी नियत रखे तो चाहे तो कर सकती है, वरना तो किसान रो ही रहा। आपकी पार्टी की सरकार आई तो कर देगी? बिल्कुल, हम ये भी करेंगे, और महिलाओं को जो 50% से ज़्यादा देने की बात है वो भी हम बिल्कुल देंगे, क्योंकि महिलाओं को आगे आना चाहिए और बच्चों की शिक्षा है। अगर आज इन्होंने बात की कि आदर्श विद्यालय बनाएंगे, आप जाओ गाँव में जाकर देखें ना, आदर्श विद्यालय किसको कहते हैं? वही जो पेड़ों के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, फर्नीचर नहीं है, आप उसको आदर्श विद्यालय कहते हैं। तो ज़रूरत है कि अगर सरकार जो कहे या तो करे, नहीं करना है तो मत कहे, लेकिन जनता को पागल मत बनाए। जनता को पागल नहीं बनाएं, जो सरकार कहे वो करे। कामिनी जी कह रही हैं उनकी पार्टी की सरकार आई तो केवल किसान ही नहीं, महिलाओं को भी बहुत मजबूत करेंगे। ये थी हमारे साथ जमींदारा पार्टी की विधायक दल की नेता कामिनी जिंदल। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। नमस्कार।